बेगूसराय के गढ़रा ओपी इलाके के तहत आने वाले केवल गांव में आज 2 साल बच्चे की लाश के साथ आवाम ने चक्का जाम किया। ये चक्का जाम 4 दिन से लापता 2 साल दिव्यम की लाश बरामद होने के बाद किया गया। दिव्यम को 4 दिन पहले घर के बाहर खेलते वक्त अगवा किया गया था। बच्चे के अगवा होने का मामला उसके घर वालों ने पुलिस में भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस उसको तलाश नहीं कर सकी। आज जब लाश बरामद हुई, उसके बाद घर वालों और गांव वालों ने उसकी लाश सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। ये जाम तकरीबन 4 घंटे चला। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन आवाम मुश्तैल थी और कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद तेगड़ा से MLA कॉमरेड राम रतन सिंह भी मौके पर पहुंचे और उनके बात करने के बाद गांव वालों ने जाम खोला। इस पर MLA राम रतन सिंह ने पुलिस को सख्त लहजे में कहा कि 72 घंटे के अंदर मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा। पेश है NN न्यूज नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवेस की ये रिपोर्ट। आप हमको ये क्लियर कर दीजिए, आप 24 घंटा 48 घंटा आप हमको क्लियर कीजिएगा। हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयास में हमको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग ये बस कितने घंटा में, 24 घंटा देखिए, लेकिन हाँ नहीं आपका काम जो हम लोग का है, जो बताने का भी प्रयास किया है उस पर आप कर रही है। बिल्कुल करेंगे, आपके तरफ से फ्री है बंदान। ठीक है, अभी तक भी इनका मतलब साथ रहा है अच्छा, लेकिन उन्होंने आगे भी रहेगा और नहीं रहने हम वो कर रहे हैं कि कल चक्कर साहब को मिले, कल भी करके आए हैं। बड़ा बहुत प्रयास करा लिए है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग दबाव बनाएंगे, पास आएंगे स्वाभाविक है। अभी भी वही कर रहे हैं, 72 घंटा जो प्रयास हुआ ठीक है, लेकिन अब तो सामने वाला का रिजल्ट है। एक बंद तो आ गया पूरा, थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि SP साहब यहाँ पे आए और हमारी मांग पूरी करे खुद से आके। घटना क्या क्या घटना? मेरे 2 साल के भगने को 4 दिन पहले मेरे घर के सामने से खेलते हुए उठा लिया गया था और आज सवेरे उसका लाश मेरे घर के पीछे मार के फेंक दिया गया था पोखर डोभा में। अभी मतलब आप क्या मांग करती है? हम चाहते हैं कि वो आए अपना और अच्छे से छानबीन करके जो जिसने ऐसा किया है जगह उसको गिरफ्तार करें और जल्द से जल्द उसको सजा मिले। क्या नाम आपका? निशांत कुमार। क्या बोल रहे? हम ये बोल रहे थे ये नीतीश सरकार की रवैया अच्छा नहीं लगता है और ये जंगल राज नहीं तो क्या है। ये 2 साल का लड़का जो मारा गया, जिसको मार दिया गया, जो नहीं से कहीं नहीं बोल भी नहीं सही से पाता था, और ये मैं सरकार की जंगल राज रुपया प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। तीन दिन पहले प्रशासन को आवेदन दिया गया, प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लिए और उसके बाद उसका लाश डोहा में मृतक पाया गया। नीतीश सरकार को मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा और नीतीश सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाऊंगा। ये जंगल राज नहीं तो क्या है, ये जंगल राज है और ये जंगल राज जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी को पकड़ा जाए, घर के बगल में घटना हुआ है, घर के पीछे में बिगा गया है लाश, बस यही मांग है, अपराधी को पकड़ा जाए कम से कम।